This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on modal auxiliary verbs. मैं आपको मुख्तसर पहले थोड़ा सा आपको गाइड करूं कि देखें हमने तीन तरह की बातों को डिस्कस किया है. अगर मैं सामने लिखूं आपके सेंटेंस, सर हसीब टीचर्स सब तमाम स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं आप कि सर दिस इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस, सर हसीब टीचर्स सर हसीब हमें पढ़ाते हैं. अच्छा, इसी तरह से अगर मैंने एक सेंटेंस और लिखा तो आप कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आपने लिख दिया, सर हसीब इज टीचिंग सर हसीब हमें पढ़ा रहे हैं. और अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा सर हसीब विल टीच अस तो आप कहेंगे सर ये तो आपने फ्यूचर लिख दिया. और आपको ये बात भी पता है कि विल ऑटोमेटिकली विल बेसिकली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही है. ये हम कह देते हैं कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, लेकिन जब आपकी नॉलेज में इजाफा होता है तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि विल इज अ मॉडल वर्ब. तो विल फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पर. ये तीन बातें सबको क्लियर हैं. अब हम मॉडल वर्ब्स की तरफ जा रहे हैं. आप ये भी जानते हैं कि ये सिंपल है, ये प्रोग्रेसिव है, फिर नीचे दोबारा सिंपल है. अच्छा, एक और बात अगर मैं लिखूं सर हसीब इज इन द क्लास, बताओ ये क्या चीज़ है? फिर ये क्या स्टेट स्टेट? छा गए, दिल जीत लिया आज आपने हमारा. सर हसीब विल बी इन द क्लास, ये क्या है? तो ये भी स्टेट है, यानी कि हमारा. अच्छा, प्रोग्रेसिव में इस तरह का कोई सेंटेंस आ नहीं सकता. क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव टेंसेस के अंदर हम स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते. ये बात आपको मेरी याद है, स्टेट वर्ब्स कैन नेवर बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंसेस. स्टेट वर्ब्स अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं ले सकते. जैसे मैंने बताया था, आई नो यू, आई लाइक सारा. अब आई लाइक सारा मैं ये नहीं कह सकता, आई एम लाइकिंग सारा. याद आ रही है ये वाली बातें? हमने कहा था कि हम कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ वर्ब आई एन जी नहीं लगाते, वो बेसिकली नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं. नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का एक नाम और भी था, वो था स्टेट वर्ब्स. अब यहाँ पर मैंने जो स्टेट इस्तेमाल की है वो यहाँ पर सिंपल सिचुएशन, तो मॉडल्स में भी आएगी स्टेट. ये हमारा एक्शन है. प्रोग्रेसिव हमेशा एक्शन में ही आपको नजर आएगा, कभी वहां पर आपको स्टेट नजर ही नहीं आएगी. यहाँ पर ये एक्शन है और फिर नीचे स्टेट है. सारी बातें ही आपको क्लियर है? बातें याद आ रही हैं पुरानी इतनी छुट्टियों के बाद, या भूल सर भाल वहां गए? नाम होता है सही है. अच्छा, अब मॉडल वर्ब्स हम पढ़ने जा रहे हैं. हम मॉडल वर्ब्स को प्रेजेंट में भी पढ़ेंगे आज के सेशन में, और मॉडल वर्ब्स को हम फ्यूचर में भी पढ़ेंगे. अच्छा, मॉडल वर्ब्स का प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे तो आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर हसीब मे टीच अस, या मे टीच देम कर लेते हैं तो बहुत अच्छा सेंटेंस समझ आएगा. ट्वाइस अ वीक, सर हसीब शायद उनको हफ्ते में 2 दिन पढ़ाते हैं. ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है. अब यही जुमला अगर मैं फ्यूचर में लेकर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि फॉर्मेशन में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ एडवर्ब बदल जाएगा. सर हसीब मे टीच देम नेक्स्ट वीक, फॉर्मेशन में कोई तब्दीली नहीं आई. और आपने देखा कि सेंटेंस जो है वो सेम फॉर्मेशन के साथ फ्यूचर की बात भी कर रहा है. हमें कैसे पता चलेगा? या तो कोई एडवर्ब हमें बता देता है, या फिर उससे पहले एक सेंटेंस. मैंने यहाँ पर एडवर्ब लिख दिया फ्यूचर का, नेक्स्ट वीक. अगर मैं प्रोग्रेसिव सिचुएशन में जाता हूं तो प्रोग्रेसिव सिचुएशन में मैं लिखूंगा सर हसीब मे बी टीचिंग
हम जब फ्यूचर प्रोग्रेसिव में नहीं जाते तो फिर इसका फ्यूचर पे बात करना बेकार हो जाएगा, बस प्रेजेंट को फोकस करते हैं। सर हसी बेबी टीचिंग राइट नाउ, क्या मतलब कोई बता सकता है? शायद अफसर हसी में पढ़ा रहे हैं। पढ़ा शायद सर हसी इस वक्त पढ़ा रहे हैं जब भी फोन नहीं उठा रहे। सर हसी मे बी इन द क्लास, इसका मतलब देखें स्टेटिव आ गया, मे बी इन द क्लास। शायद सर ऐसे इस वक्त क्लास सर सी मे बी इन द क्लास ना एट द मोमेंट, या नाउ, या एट दिस टाइम, जो भी लगाना चाहे। सर सी मे बी इन द क्लास राइट नाउ। अब ये राइट नाउ लगा दिया, लेकिन है आपको समझ आ गया, ये स्टेटिव सेंटेंस, आरेश ठीक है। सर और सी मे बी, सर सी मे बी इन लाहौर नेक्स्ट वीक, आपको समझ आ गई ये फ्यूचर की बात हो रही है? कैसे, हमने एडवर्ब से भी, एडवर्ब की मदद से समझ लिया, वरना अगर आप पहले एक सेंटेंस लगा दें तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट है या ये फ्यूचर है। आज के सेशन के अंदर हम मॉडल वर्ब्स को प्रेजेंट और फ्यूचर में फोकस करेंगे। प्रोग्रेसिव में जब हम देखते हैं तो प्रोग्रेसिव में सिर्फ एक्शन नजर आएगा, लेकिन हम इसके फ्यूचर में जाना बेकार सी बात है, क्योंकि जब हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव के जुमले नहीं बनाते तो क्यों हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव को डिस्कस करना? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके पास, मैं लाइव एक्सक्लूसिव जो आपके सामने लिखता हूँ चीजें वो आपके पास नहीं होती, लेकिन समझने के लिए वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी, हम जब टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, सो दे टॉक अबाउट रियलिटी। जैसे सरसीप हमें पढ़ाते हैं, सरसीप क्लास में है, सरसीप पढ़ा रहे हैं हमें, सरसीप हमको पढ़ाएंगे। अच्छा, फ्यूचर तो रियलिटी की बात करता नहीं है, फ्यूचर बहुत सारी चीजों की बात करता है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, जब ये रियलिटी की बात नहीं कर रहा। जब हम प्रेजेंट टेंसेस की बात करते हैं तो हमें वहां रियलिटी दिखती है, सरसीप पढ़ाते हैं, सरसीप पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो रियलिटी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर मॉडल वर्ब्स आ गए, ठीक है। ये आपको सारी बातें, इसकी बेसिक्स आपके जहन में ऑलरेडी मौजूद है, मॉडल वर्ब्स की फॉर्मेशंस आपके जहन में मौजूद हैं। आज के सेशन के अंदर जो दो फॉर्मेशंस हम फॉलो करने जा रहे हैं वो ये दो फॉर्मेशंस हैं, आप नोट कीजिएगा। ये दो फॉर्मेशंस पे हम बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब ING। याद रखिएगा, ये जो फॉर्मेशन आपके सामने है ये प्रेजेंट और फ्यूचर की जनरली बात करती है, जनरली आमतौर पर ज्यादातर ये जो फॉर्मेशन है ये प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बनी गई है, बनाई गई है। वो अलग बात है कि कुछ मॉडल्स ऐसे भी आपकी जिंदगी में आएंगे जब आप देखेंगे कि पहली वाली फॉर्मेशन को हम पास्ट में ले जाएंगे, वो जब आएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी आप बस इन दो फॉर्मेशंस को आज के सेशन में हम फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर प्लीज हमें मॉडल वर्ब्स ऑब्लिगेशन पे ले जाइए। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, चलिए। सबसे पहले हम, अच्छा, हमारे पास मुख्तलिफ चैप्टर्स होते हैं ना मॉडल वर्ब्स के अंदर। हमारा पहला जो चैप्टर है वो ऑब्लिगेशन का है। ऑब्लिगेशन से मुराद जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आप लोगों के कंधों पर जो आप लोगों को निभानी चाहिए। कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग नहीं निभाते। अच्छा, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो हमें लाजमन निभानी चाहिए, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो हमें निभानी चाहिए, ठीक है। और कुछ जिम्मेदारियां नहीं कहूंगा, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब ठीक है आप ऐसा ना करें, तुम्हें बर्तन नहीं धोने चाहिए, जब मासी आती है तो तुम्हें क्या जरूरत है, ठीक है ना, तुम्हें। अच्छा, और कुछ चीजों के बारे में आपको मना किया गया है, वो हो सकता है आपके ऑफिस में मना किया गया हो, आपके घर में हो, इस्लाम में, कानून में, जैसे आपको, आप पेट्रोल पंप पे खड़े हुए और आपके हाथ में सिगरेट है तो कोई आपसे ये कहेगा आपको हरगिज यहाँ सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप अस्पताल में आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, यू मस्ट नॉट स्मोक एट द पेट्रोल पंप, ठीक है। यू मस्ट नॉट टॉक अलाउड इन लाइब्रेरी,
मना किया गया ना आपको, यू मस्ट नॉट ड्रिंक, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पीने से भी मना किया गया है, यू मस्ट नॉट ड्रिंक। हाँ, लेकिन अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करूं तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा यू शुड नॉट हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसमें मैं मस्ट नॉट नहीं लगाऊंगा। भाई पियोगे तो तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हारे गुर्दे खराब होंगे। यू शुड नॉट ड्रिंक, यू शुड नॉट हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स वेरी ऑफन। ठीक है, चलें बातें शुरू करते हैं। अब देखिए मॉडल वर्ब्स, गौर से देखिएगा तवज्जो के साथ, बहुत ऐसी नॉलेज आपके सामने आ रही है जो जनरली 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 आप लोगों ने जिसको स्किप किया हुआ है अपनी जिंदगी से। ठीक है, चलिए शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और बी सपोज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑल दीज मॉडल वर्ब्स टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन। शुड भी जिम्मेदारी की बात करता है, ऑट टू भी जिम्मेदारी की बात करता है, मस्ट भी जिम्मेदारी की बात करता है, सपोज टू भी जिम्मेदारी की बात करता है। सर चारों में डिफरेंस समझाइए। आपके मोहल्ले में किसी की तबीयत खराब है, आपने मैंने मुझे पता चला, मैंने कहा ये और वन ऑफ योर नेबर्स इज सीरियसली इल, मैं क्या कहूंगा? यू शुड टेक हर टू द डॉक्टर, और यू मस्ट टेक हर टू द डॉक्टर, बताइए। यू यू शुड, भाई शुड आपकी मतलब ठीक है, मोहल्ले में बीमार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप देखें आप उसके आ, लेकिन उनके भाई घर में उनके हस्बैंड भी मौजूद हैं, उनके दो देवर भी हैं, और भी उनके चचा भी रहते हैं, ताया भी रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अब मैं ये कहूंगा यू शुड टेक हर टू द डॉक्टर, बट दैट्स नॉट वेरी मच सीरियस ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल आपका भाई बीमार है, योर ब्रदर इज सीरियसली इल, ही हैज हाई फीवर एंड ही इज वॉमिटिंग। अब मैं क्या कहूंगा? यू मस्ट टेक हिम टू द डॉक्टर, और यू शुड टेक हिम टू द डॉक्टर, यू मस्ट टेक हिम टू द डॉक्टर। इससे क्या बात समझ आ रही है कि शुड और मस्ट का लगाना गलती नहीं हो सकती है। आप शुड लगा लें या मस्ट लगा लें, मॉडल्स के अंदर हम ये बात देख नोटिस करते हैं कि अप्रोप्रिएट क्या है। इस सिचुएशन में मुझे शुड इस्तेमाल करना चाहिए या मस्ट? अगर मैंने शुड इस्तेमाल कर लिया तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है, मैं ये कहूंगा दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मॉडल इन दिस सिचुएशन। आपकी माँ आपको आवाज दे रही है, गुड़िया बेटा बात सुनो। अब मैं क्या कहूंगा? यू मस्ट लिसन टू योर मदर, और यू शुड लिसन टू योर मदर, मस्ट मस्ट लिसन टू योर मदर। आप को सामने राजू आवाजें दे रहा है, गुड़िया गुड़िया, राजू आपको आवाजें दे रहा है। अब मैं क्या कहूंगा? यू शुड लिसन टू हिम या यू मस्ट लिसन टू हिम? शुड यू शुड लिसन टू शुड हिम, देखो बेचारा तुम्हें आवाजें दे रहा है, गुड़िया यू शुड लिसन टू। अरे रोज का इसका यही है रूटीन, पिटेगा किसी ने मेरे हाथ से, यू शुड लिसन टू हिम। समझ आ गई बेटा? शुड और मस्ट का हम किस तरह से फैसला करते हैं। गलत नहीं होगा आपका ब्लैंक, लेकिन आपका गलत ब्लैंक होने की वजह दैट दिस मॉडल इज नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन। सर, अगर मदर बुला रही है तो हम मस्ट का यूज करें, अगर हम ब्रदर बुला रहे हैं तो हम शुड का यूज करेंगे। अगर राजू बुला रहे हैं, राजू वो सामने रहता है, मतलब ठीक है वो बुला रहा है, बुला ले तो यू यू शुड लिसन टू हिम, बहुत देर से आवाजें दे रहा है आपको, लेकिन अम्मी आवाज दे रही है, अब्बा आवाज दे रहे हैं, भाई आवाज दे रहे हैं, तो मतलब बड़े भाई हैं, तो यू मस्ट लिसन टू हिम, है ना। अब आप इसी तरह से आपके किसी छोटे भाई को या बहन को आपकी मदद की जरूरत है, तो मैं क्या कहूंगा? यू मस्ट हेल्प हिम और यू शुड हेल्प हिम, मस्ट यू मस्ट मस्ट हेल्प। आप स्ट्रॉन्गर है ना, ब्लड रिलेशन की मदद नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? फिर अगर आपने देखा मोहल्ले में किसी को आपकी मदद की जरूरत है तो मैं क्या कहूंगा? यू शुड हेल्प हिम और यू मस्ट हेल्प हिम, शुड यू शुड हेल्प शुड हिम। अब आप देखें, आप गाड़ी में जा रही थी, नई नई आपकी शादी हुई थी, अपने हस्बैंड के साथ आप जा रही थी, हाईवे पे आपको एक फैमिली नजर आई, आपने कहा
अब आप क्या कहेंगी? वी शुड स्टॉप द कार और वी मस्ट स्टॉप द कार? वी शुड स्टॉप द कार, वी शुड स्टॉप कार एंड वी शुड हेल्प देम। आपको अपनी चच्ची नजर आ गई रास्ते में, वो चच्ची जो है वो खड़ी हुई है, उनकी बाइक खराब हो गई। अब आप क्या कहेंगे अपने हस्बैंड से? यू मस्ट स्टॉप, वी मस्ट हेल्प हर और वी शुड हेल्प हर? मस्ट, मस्ट मस्ट हेल्प। ये तो चची है ना, वो मस्ट अननोन थोड़ी नहीं, आप जानती हैं, तो फिर आप कहेंगे वी मस्ट हेल्प हर, ठीक है ना? तो आपको सिचुएशन के मुताबिक शुड और मस्ट का इस्तेमाल करना होता है। ऑट टू का इस्तेमाल आपने कभी नहीं किया जिंदगी में, ये ऑट टू का इस्तेमाल मैं आपको बता दूं, लाइक इट इज अनयूजुअल, इट्स लेस यूजुअल, आई वुड से इट्स लेस यूजुअल। ये फॉर्मल है और इसको हम शुड की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यू ऑट टू हेल्प हिम, यू शुड हेल्प हिम। ऑट टू का मतलब सेम एज शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन सर हमने कभी इसको सुना नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये लेस यूजुअल है। लेस यूजुअल का मतलब समझते हैं ना, इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते। अच्छा, अगर करते हैं तो मैंने इसको राइटिंग में ज्यादा देखा है, और वो भी कहाँ पर देखा है? जो फिल्म्स के सब टाइटल्स आते हैं ना, अक्सर आपने इंडियन मूवीज देखी होंगी प्रीवियसली, जिसके सब टाइटल्स आते थे, तो वो ऑट टू वहां पर इस्तेमाल होता है राइटिंग के अंदर, मैंने देखा है। तो आपको स्पोकन में लाने की जरूरत नहीं है, बस नॉलेज में अपने दिमाग में लिख लीजिए, बिठा लीजिए, कल को कोई ऑट टू बोल दे तो आप परेशान ना हो ये क्या बोल रहा है। ऑट टू बराबर है शुड के। ऑट टू का नेगेटिव बन सकता है ऑट नॉट टू। मैंने इसकी सारी एग्जाम्पल्स आपको प्रोवाइड की हैं, आप उसको जब रीड करेंगे तो आपके हर सवाल के जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने ये बता दिया, अवॉइड यूजिंग इट इन योर स्पोकन। शुड का इस्तेमाल करें, मस्ट का इस्तेमाल करें। शुड की जगह पर आप बी सपोज टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बी को खोलेंगे तो एज एम आर बन जाता है, एज एम आर सपोज टू। यू शुड कॉल सारा, यू आर सपोज टू कॉल सारा। मुझे सपोज टू आसान लगता है। शी इज सपोज टू कम ऑन टाइम, शी शुड कम ऑन टाइम। नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, आप शुड नॉट से बना लीजिए, मस्ट नॉट से बना लीजिए, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट बना सकते हैं, ऑट नॉट बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने में किसी भी मॉडल को उठा लीजिए, बी सपोज टू मॉडल फ्रेज होता है, आप इसको भी उठा सकते हैं। जैसे यू आर नॉट सपोज टू शाउट हियर, यू शुड नॉट शाउट हियर, सेम मीनिंग्स, नो डिफरेंस इन मीनिंग्स। आर यू, एम आई सपोज टू लीव, शुड आई लीव, क्या मुझे चले जाना चाहिए? एम आई सपोज टू लीव, क्या मुझे चले जाना चाहिए? शुड आई इन्फॉर्म सारा, शुड आई कॉल सारा, एम आई सपोज टू कॉल सारा? कौन सा आसान लग रहा है? वॉट शुड आई डू, वॉट एम आई सपोज टू डू, विच वन लुक्स इजियर? शुड के अंदर हाँ वैसे दो अल्फाज हैं, बी सपोज टू के अंदर एक दो तीन चार अल्फाज आ जाते, तो ये शायद आप लोगों को शुड आसान लग रहा हो। वॉट शुड आई डू, वॉट एम आई सपोज टू डू, लेकिन मुझे बोलने में खूबसूरत लगता है सपोज टू। वेयर एम आई सपोज टू सिट, वेयर शुड आई सिट, मुझे कहाँ बैठना चाहिए? वेयर एम आई सपोज टू सिट। वॉट एम आई सपोज टू से, मुझे क्या कहना चाहिए? वॉट शुड आई से, वॉट शुड आई से? मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड बेटर प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। सर अब ये क्या, ये भी ऑब्लिगेशन है, ऊपर मैंने लिखा था। लेकिन अब जब मैं बात करता हूं मस्ट और हैव टू की, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है मैं भी आगे डिस्कस करता हूँ, पहले जरा हम शुड और टू मस्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसको पूरा खत्म कर देते हैं। कुछ बातें आपके सामने मैंने लिखी है यूसेज में, देखिएगा। वी यूज शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, जैसा मैंने कहा, बट मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज स्ट्रॉन्गर देन शुड। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो यूज शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू से दैट समथिंग इज अ गुड आइडिया, समथिंग इज अ गुड आइडिया, और समथिंग इज द बेस्ट आइडिया। अब रिश्ते में हमारे पास दो तस्वीरें आएंगी, ठीक है ना? अब शुड और मस्ट देखिएगा। अब जो पहली लड़की है उसकी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। ए पार्टिसिपेंट ए, शी हैज टू ब्रदर्स, वन एल्डर ब्रदर वन यंगर ब्रदर, टू सिस्टर्स वन एल्डर सिस्टर,
वन यंगर सिस्टर, टू सिबलिंग्स आर मैरिड, डैड इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मॉम इज अ हाउसवाइफ, दे लिव इन अ फ्लैट. ये पहला रिश्ते का पहली डिटेल्स. एंड द एज ऑफ दैट गर्ल इज 22 years ओल्ड. शी हैज डन बैचलर्स इन कॉमर्स, शी हैज डन बीकॉम, एंड करेंटली शी इज जस्ट स्टेइंग एट होम लर्निंग हाउ टू कुक एंड हाउ टू कीप रिमेन एंड हाउ टू कीप पीपल हैप्पी इन देयर लाइफ. ठीक है ना, हाउ टू बी अ गुड वाइफ. पार्टिसिपेंट टू, शी इज द ओनली वन, शी हैज वन ब्रदर, ही इज इन ऑस्ट्रेलिया एंड करेंटली स्टार्टिंग एंड अर्निंग, एंड डैड इज हैज फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री, एंड ही इज दे लिव इन अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस. मदर इज ऑल्सो अ सोशल मीडिया मार्केटर, एंड शी इज ऑल्सो लाइक वर्किंग ऑनलाइन, एंड शी हैज सो मेनी क्लाइंट्स. She is also 22 years old. She's studying in Zabist, and she's studying AI and some other currently demanding skills. अब आप मुझसे क्या कहेंगे? So you should marry participant A, or you must marry participant A. Good idea or best idea? So you must marry in participant second. पार्टिसिपेंट बी, यू मस्ट मैरी. ऐसे ही लाइफ सेट हो जाएगी भाई, और क्या चाहिए. है भाई, अच्छी असामी है, टाइट असामी है. सो यू मस्ट मैरी पार्टिसिपेंट बी, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी सर. और यू शुड मैरी पार्टिसिपेंट ए, क्योंकि सर वो आपके घर को ज्यादा बेहतर संभालेगी, क्योंकि आपको उनके अब्बा कौन सा सारा पैसा दे देंगे. असल तो आपको उसके साथ जीना है, बट वो जो है दूसरी, उसको घरदारी का कोई शौक नहीं है. तो अगर मैं होता तो आई वुड मैरी पार्टिसिपेंट ए. मुझसे कोई पूछता, ठीक है, हमें घर वाली चाहिए, बाहर वाली नहीं. आगे चलिए. अब वी यूज शुडन आपको. अच्छा, मैं एक और मिसाल देता हूँ. मेरा कराची यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो गया, और मेरा IBA में भी एडमिशन हो गया. अब आप मुझसे बताइए, अब आप मेरे लिए गुड आइडिया क्या है? सर, यू शुड ज्वाइन और यू मस्ट ज्वाइन. जब आप ये कहेंगे यू शुड ज्वाइन, इट्स अ गुड आइडिया. यू मस्ट ज्वाइन, इट्स अ बेस्ट आइडिया. सर कराची यू मस्ट ज्वाइन IBA. लोगों की जिंदगी का एक ख्वाब होता है IBA में हम पढ़ लें. IBA का ग्रेजुएट जब निकलता है तो उसकी पहली, जो पहली सैलरी होती है वो 1.5 आजकल होती है, 2 लाख तक हो गई अब तो पहली सैलरी. अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, आप IBA के ग्रेजुएट हैं, सो सर यू मस्ट ज्वाइन IBA. यू शुड ज्वाइन KU, डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशंस. मुझे लाहौर जाना है और मेरे मेरी बिजनेस मीटिंग है कल. मैं कैसे जाऊं? मेरे पास दो ऑप्शन है, डाइवो और बाय प्लेन, बाय एयर. तीसरा ऑप्शन ट्रेन भी है. बताइए बेस्ट आइडिया क्या है? अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ जिम्मेदारी नहीं आ रही. यहाँ पर हमारे जहन में क्या चल रहा है? बेस्ट आइडिया. सर यू मस्ट गो बाय प्लेन, यू मस्ट गो बाय एयर. लेकिन सर अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर ट्रेन और डाइवो में ज्यादा गुड आइडिया कौन सा है? सर यू शुड गो बाय डाइवो, ट्रेन्स आर ऑल्सो. डाइवो सर यू शुड गो बाय बस, बट सर यू शुड नॉट गो बाय ट्रेन बिकॉज यू मे गेट लेट. ओके, वी यूज शुड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू से दैट समथिंग इज अ बैड आइडिया. नहीं देखो बेटा ना, ठीक है माना बेटा आप, उसने आपसे बहुत बदतमीजी की, लेकिन नहीं बेटा नहीं, आपको गालम गलूच नहीं करनी चाहिए. यू शुड नॉट यूज, यू शुड नॉट यूज एब्यूसिव लैंग्वेज. यू शुड नॉट यूज एब्यूसिव लैंग्वेज. यू शुड नॉट फाइट. अब देखो मैं यहां मस्ट नॉट नहीं लगा रहा, क्योंकि जब हम मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चीज प्रोहिबिटेड है, अनलॉफुल है, नाजायज है, हराम है, ममनू है. लेकिन जब आप किसी को समझा रहे होते हैं ना, नसीहत कर रहे होते हैं, नहीं बेटा नहीं,
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुडेंट डू दिस, यू शुडेंट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज, नो बेटा, यू शुड नॉट ड्राइव फास्ट, बेटा यू शुड नॉट शाउट, यू शुड नॉट, समझ रहे बात, जब आप किसी से इस तरह से कहते नहीं बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स अ बैड आइडिया, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, यू शुड नॉट गो अलोन, ठीक है चले जाओ, मसला तुम्हारे साथ होगा, कोई रास्ते में तंग करेगा, लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल आप पी रही हैं, मैंने कहा यू मस्ट नॉट ड्रिंक, इट्स नॉट, अरे सर जिंदगी के काम बुलाने के लिए पीना पड़ती है सर, यू मस्ट नॉट ड्रिंक, यू आर अ मुस्लिम, यू मस्ट नॉट ड्रिंक, यू मस्ट नॉट टॉक अलाउड, इस वक्त आप कहाँ पर है, लाइब्रेरी में, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, यू मस्ट नॉट टॉक अलाउड, यू मस्ट नॉट ईट एनीथिंग हियर, जैसे हम कल हॉस्पिटल में थे, वहां लाउंज में बैठे थे, तो उन्होंने कहा भाई यू मस्ट नॉट ईट एनीथिंग हियर, यू शुड गो आउटसाइड, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तो मस्ट नॉट का इस्तेमाल जब होगा जब आपके लिए कोई चीज प्रोहिबिटेड हो, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है ममनू, मना है आपको, वी यूज शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड क्वेश्चन व्हेन वी टेक एडवाइस, अब आप किसी कोई नसीहत लेना चाह रहे हैं, जब आप किसी किस्म की नसीहत लेना चाह रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, शुड का इस्तेमाल, सर शुड आई, सर शुड आई, तो नसीहत ले ले मुझसे, सर शुड आई, सर शुड आई इन्फॉर्म सारा, शुड आई, सर यस, सर शुड आई स्टार्ट माय आईएलटीएस प्रैक्टिस राइट नाउ? शुड आई स्टार्ट आईएलटीएस प्रिपरेशन, इफ यू हैव टाइम, इफ यू थिंक दैट यू कैन मैनेज, देन यू कैन स्टार्ट, सर शुड आई, यस सबाब, शुड आई लीव द रूम? शुड आई लीव दिस रूम, शुड आई लीव दिस क्लास, अच्छा आप कोई मॉडल वर्ब भी वो भी लगा सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड, सर व्हाट शुड आई डू, सर आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू, आप कोई नसीहत लेना चाहें तो आप डब्ल्यू एच वर्ड से भी क्वेश्चन लगाकर बना सकते हैं, वेयर शुड आई स्टे, नसीहत दे रहे हो, वेयर शुड आई स्टे, मुझे कहाँ रुकना चाहिए, वेयर शुड आई स्टे, आगे बात समझ, वी कैन ऑल्सो यूज इज एम आर सपोज टू इन प्लेस ऑफ शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे मैंने आज के सेशन में भी आपको बताया, आप शुड की जगह पर इज एम आर सपोज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात कर रहा है, या अब मैंने फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा आपको कल आना चाहिए, यू शुड कम टूमोरो, तुम्हें रोजाना आना चाहिए, यू शुड कम एवरी डे, तो ये जो फॉर्मेशन है ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात करती है, ठीक है, इसी तरह से यू मस्ट कॉल मी टुमारो, तुम्हें लाजमन मुझे कल फोन करना चाहिए, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट की भी बात कर सकता है, यू मस्ट कॉल मी एवरी डे, तुम्हें लाजमन मुझे रोजाना फोन करना चाहिए, ठीक है बेटा बात क्लियर हो गई, मैंने इसकी एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिख कर दी, आप इसको लाजमी तौर पर रीड कीजिएगा, शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑट टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने नेगेटिव और क्वेश्चंस भी लिखे हैं उसको भी आप रीड कीजिएगा, इज एम आर सपोज टू, अच्छा अब आ जाए हैव टू और मस्ट पर, जहां मैंने अभी बात को अपनी रोका था और मैंने कहा था पहले मैं इसको मुकम्मल कर दू, अब देखिएगा अब सर बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्लिगेशन मस्ट और हैव टू, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा हेड बेटर के ऊपर, फिर ऑब्लिगेशन का चैप्टर क्लोज होगा, मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बा मुकाबला हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बात जहन में रखें कि ये दोनों मॉडल्स, सर हैव टू भी मॉडल है, ये मॉडल फ्रेज है, ये क्या है, ये मॉडल फ्रेज है, सर मॉडल फ्रेज क्या होता है, मॉडल फ्रेज वो होता है जो मॉडल की मीनिंग्स दे दे, जो मॉडल की मीनिंग्स आपको दे दे और मॉडल्स की तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा अब आप देखें मस्ट जो बात कर रहा है वो कहता है जिम्मेदारी, हैव टू भी बात कर रहे हैं जिम्मेदारी,
अब जब दोनों जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बात करता है इनर ऑब्लिगेशन और एक बात करता है आउटर ऑब्लिगेशन। अब इनर ऑब्लिगेशन क्या है और आउटर ऑब्लिगेशन क्या है? इनर ऑब्लिगेशन जो अंदर से आती है बात, यानी कि आप दिल से उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इनर ऑब्लिगेशन। जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने भी आपसे कहा आप हाईवे पे जा रही थी, नहीं, आपकी शादी थी, रास्ते में आप लोगों को कुछ लोग नजर आए जख्मी हालत में पड़े हुए। अब आपके दिल से एक बात निकलेगी, आप क्या कहेंगी? वी मस्ट हेल्प देम या वी हैव टू हेल्प देम? वी मस्ट हेल्प देम, दिल से बात निकल रही है, वी मस्ट हेल्प देम, हमें उन्हें उनकी लाजमन मदद करनी चाहिए, जिम्मेदारी है। और इसको आप अपनी एक इंसानियत, इंसानियत होती है ना, इंसानियत के नाते आप उस बात को समझ रहे हैं कि या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे, हमें रुकना चाहिए, सुने हमें गाड़ी, हमें लाजमन इनकी मदद करनी चाहिए। फिर आपके शौहर ने कहा फिर हमारी मदद कौन करेगा, थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या मतलब? ये आजकल ऐसे ही भाई ड्रामे कर रहे हैं ये लोग, लूटने का एक नया तरीका है, ये नया तरीका ये वारदात है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, आपको नहीं पता आजकल कैसे लोग लूटते हैं हाईवे के ऊपर, इसी तरह से खड़े होते हैं जख्मी हालत में, और फिर आप वहीं पर खड़े होंगे जख्मी हालत। अच्छा हाँ बेटा, अब हैव टू क्या है? आपके घर पे बिजली का बिल आ गया, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको भरें, लेकिन आपका दिल कहता है, कभी ईमानदारी से बताइएगा, दिल चाहता है बिजली का बिल भरने का? जब उस पे आप देखते हैं हाय अल्लाह, इतने यूनिट, इतने यूनिट और इतने पैसे हमसे ले रहे हैं, दिल चाहता है? नो no. नहीं चाहता ना। तो लेकिन फिर भी आप से कोई ये कहेगा या आप ये कहेंगी, आई हैव टू सबमिट यूटिलिटी बिल्स, आई हैव टू पे द बिल्स। वजह, ये इनर ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आउटर ऑब्लिगेशन है। आउटर ऑब्लिगेशन समझिएगा, आउटर ऑब्लिगेशन से मुराद एक ऐसी जिम्मेदारी जो बाहर से आपके ऊपर लागू है। आप तो नहीं चाहती बिजली का बिल देना, लेकिन ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आप पर बाहर से इम्पोज की जा रही है। भाई बिजली इस्तेमाल की है, बिजली का बिल दो, आई हैव टू पे बिल। आप क्या कहेंगे, आई हैव टू टेक लैंग्वेज क्लासेस या आई मस्ट टेक लैंग्वेज क्लासेस? आई आप मस्ट टेक कुछ क्लासेस. अभी तो आपने देखे दाखला नहीं लिया ना, अभी आप कि कल आप इंटरव्यू के लिए गई थी और आपकी वहां पर काफी बेइज्जती हुई, तो अब आप कह रही हैं आई मस्ट ज्वाइन लैंग्वेज क्लासेस, इनर ऑब्लिगेशन, दिल आपका ये कह रहा है। आपने दाखला ले लिया, अब दाखला लेने के बाद आप वो दोपहर में आपकी क्लास की टाइमिंग्स होती है और आपके टीचर ने कहा है यू मस्ट बी रेगुलर इन द क्लास, यू मस्ट अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। अब आप जब एडमिशन ले लेंगी तो अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आपको क्लास लेनी है, तो अब आप क्या कहेंगी, आई हैव टू आई अटेंड हैव क्लास। टू समझ आ रही है? देखो ये डिफरेंसेस होते हैं मॉडल वर्ब्स के, आई हैव टू अटेंड क्लासेस रेगुलर। लेकिन अच्छा, कोई आपके ऊपर मस्ट का इस्तेमाल करेगा और आप उस बात को जब रिपीट करेंगे तो वो हैव टू में होंगे, जैसे यू मस्ट बी प्रेजेंट, यू मस्ट प्रिपेयर प्रेजेंटेशंस, यू मस्ट गिव प्रेजेंटेशंस।
यू मस्ट गिव प्रेजेंटेशंस। अब ये जो टीचर ने आपको ऑर्डर कर दिया, लेकिन यही बात जब आप घर में आज करेंगी तो कैसे करेंगी? आई मस्ट गिव प्रेजेंटेशन, आई हैव टू गिव प्रेजेंटेशंस, आई हैव टू सबमिट फी या आई मस्ट सबमिट फी, क्या होगा? दिल तो नहीं चाहता, आई हैव टू, आई हैव टू सबमिट माई फी। समझ रहे कि मेरी मुराद क्या है? आउटर ऑब्लिगेशन से। अब इसी तरह से आप गाड़ी में जा रही थी और सामने रेड लाइट है, बताइए क्या कहेंगे? आई हैव टू स्टॉप या आई मस्ट स्टॉप? नहीं, रेड लाइट कानून है ये। आपका दिल तो नहीं चाहता आप कराची जैसे शहर के अंदर रुकने का, जब देखते हैं आधे लोग जा रहे हैं, लेकिन आधे आप लोग आई हैव आप टू स्टॉप, आई हैव टू स्टॉप ऑन रेड लाइट, ठीक है ना? यस, एनी क्वेश्चन? यस सर, हैव टू वाला थोड़ा समझ नहीं आया। हैव टू बात कर रहा है एक ऐसी जिम्मेदारी जो बाहर से आपके ऊपर लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है। जैसे आप एक लाइब्रेरी में चलेंगे, ठीक है ना? अब लाइब्रेरी के अंदर आपको पता है कि एक रूल आपके ऊपर, एक वहां का एक रूल है। क्या रूल है? आई हैव टू सिट क्वाइट। आप ही कहेंगे ना, आई हैव टू स्टे क्वाइट इन द लाइब्रेरी, बिकॉज वहां के रूल्स हैं। इसी तरह से आप हॉस्पिटल चली गई तो किसी ने आपसे कहा यू हैव टू सिट क्वाइट, यू हैव टू अवॉइड टॉकिंग, वजह ये रूल्स है वहां के बाहर जो आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। क्लियर? यस सर, अच्छा, मैंने यस। आप मैंने आपकी आसानी के लिए बहुत सारे यहाँ पर ना, जब आप लाजमी तौर पर आप इन सेंटेंसेस को रीड कीजिएगा, मेरे साथ रीड करें, देखिए अभी आपको आई हैव टू बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हैव टू मैंने क्या कहा? आउटर ऑब्लिगेशन। ही हैज टू पे द रेंट बाय द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। कभी आपको अपने घर का रेंट पे करने का दिल चाहता है? नो वे। कभी दिल दिल चाहता होगा, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, घर में रहना है तो पे करना पड़ेगा। ही हैज टू पे द रेंट, देखें, इट इज अ कंडीशन इन द लीज एग्रीमेंट, आउटर ऑब्लिगेशन। ही हैज टू साइन अ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट बिफोर एक्सेसिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। मेरे बॉस ने मुझसे कहा था बेटा कल लाजमी मीटिंग में आना, अब आप क्या कहेंगे? आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, आउटर ऑब्लिगेशन। आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट, शी हैज टू अटेंड ट्रेनिंग सेशन, शी हैज टू सबमिट द रिपोर्ट। ये सारे ऑब्लिगेशंस बाहर से लागू है, कहीं हमारा बॉस हमसे कह रहा है, कहीं से अथॉरिटी हमसे कह रही है। शी हैज टू टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, डॉक्टर कह रहा है। आई हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डॉक्टर कह रहा है। दे हैव टू ऑब्टेन अ वीजा, रूल है ना भाई, आपको किसी भी कंट्री, दूसरी कंट्री में जाना है, आपके पास वीजा होना चाहिए। दे हैव टू ऑब्टेन अ वीजा, दे हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एट द एयरपोर्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस, आउटर ऑब्लिगेशन। लेकिन इनर ऑब्लिगेशन क्या है? देखें, ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ये हमारा दिल कहता है ना, या उसे अपने वालदेन की लाजमन इज्जत करनी चाहिए। ही मस्ट रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, इस तरह से दूसरों की तस्वीरें आप लीक करते हैं, अच्छी बात नहीं है ना। आई मस्ट ऑलवेज स्ट्राइव, मुझे मेहनत करनी चाहिए। आई मस्ट अपोलोजाइज, मुझे माफी मांगनी चाहिए। आई मस्ट बी ऑनेस्ट, ये सारी चीजें कहाँ पर आ रही है? मेरे दिल में, मेरा दिल मुझसे ये कह रहा है। जहां दिल आप इन्वॉल्व हो जाए, वहां पर आप मस्ट का इस्तेमाल करें। आखिरी बात समझ, यस और आज की आखिरी बात, हैड बेटर। अभी आप देखें, आपने आपकी, अगर मैं माजी की नॉलेज, सिर्फ एडवाइस के ऊपर अगर मैं बात करूं, आपको जिंदगी में पहली एडवाइस ऐसे मिली थी, याद करें, वर्क हार्ड, याद आया? इम्पेरेटिव यस सेंटेंस, पहली एडवाइस हमारी ये थी। इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल भी हम एडवाइस के लिए करते हैं। वर्क हार्ड, मेहनत करें भाई, मेहनत करें, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर आप लोग आगे चले तो आपको एडवाइस मिली शुड के अंदर, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। फिर आपके भैया ने आपसे कहा, ऑर्डर कर आपको,
आप इसको एडवाइस भी कह सकते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको लाजमन मेहनत करनी चाहिए, यू मस्ट वर्क हार्ड। अब आपसे कहा जा रहा है यू हैड बेटर वर्क हार्ड, यानी कि ये नसीहत का चौथा लेवल है। इसके बाद अगर आप फेल हो गए तो जिम्मेदार कौन होगा? आप खुद होंगे। यू हैड बेटर वर्क हार्ड, आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेहनत करें। हम हैड बेटर का इस्तेमाल जब करते हैं जब आप किसी को स्ट्रॉन्गली एडवाइस करते हैं। मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही थी बेगम ने कहा चलें डॉक्टर के पास चलें, या आप बस मैंने कहा अच्छा चलते हैं भाई। उससे पहले भाई ने मुझसे कहा भाई स्टॉप स्मोकिंग, व्हाई डू यू स्मोक अलॉट? अरे भाई बस छोड़ देंगे, जिंदगी सारी तो आदतें हमने छोड़ दी शादी के बाद, बस एक यही आदत रह गई है, छोड़ देंगे ये आदत। भाई ने कहा स्टॉप स्मोकिंग। बहरहाल बेगम ले गई हमें डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा भाई आज कैसे आना हुआ? मैं कहा बस 10 साल ही हमारी बेगम लेकर आ गई। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यू इफ यू हैव कॉफ योर लंग्स मे बी यू मे लंग्स मे बी डिस्टर्ब। उन्होंने एक एक्सरे भी लिख कर दिया, इसको करवा लीजिएगा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा चले भाई कौन करवाए। अब एक दिन जो है तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और जो है वो फौरन घर वाले लेकर भागे हमें डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में। तो अब मैं उन्होंने कहा यू हैड बेटर, उन्होंने माफ कीजिएगा, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस करी यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, आप लाजमन सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब, एक्सरे कर लाजमी करवाएं। तो एक्सरे भी करवा लिया। उसके बाद फिर जो है वो भाई दिल की धड़कन एक दिन बंद कमजोर हो गई, हल्का सा हार्ट अटैक हुआ और जनाब इमरजेंसी में हमें लेकर पहुंचे। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने ईसीजी लिया, सारी चीजें चेक हुई, फिर जैसे ही होश आया यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग, आपके लिए बेहतर होगा कि आप सिगरेट पीना बंद कर दें, वरना वरना क्या डॉक्टर साहब, वरना अगली दफा मैं हमारी मुलाकात कहीं और होगी, अस्पताल में नहीं होगी। और बिरयानी जो है वो आप कहाँ से बनवाइएगा, मैं आपको उसका पता भी दे देता हूँ, ये मेरे जानने वाले, डिस्काउंट मिलेगा आपको, अच्छी बिरयानी बनाता है बर्थडे पर। यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी हरकतें ऐसी हैं भाई। तो ये स्ट्रॉन्गली एडवाइस भी, और दूसरी जगह एक और देखें आगे मैंने स्लैश करके लिखा है थ्रेट, ये धमकी के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग अक्सर कहते हैं ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा मेरे पैसे वापस कर दो, वरना तो क्या कर लेगा वरना भाई, यू हैड बेटर पे माई मनी बैक अदरवाइज। जब आप ये अदरवाइज का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं तो इसका मतलब है नाउ यू आर गिविंग आप थ्रेट, और यू आर थ्रेटनिंग, यू मस्ट पे माई मनी बैक, तुम्हारे लिए बेहतर होगा मेरे पैसे वापस कर दो वरना वरना क्या। नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो यू हैड बेटर नॉट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट सेंटेंस देखिएगा, यू हैड बेटर नॉट, यू हैड बेटर नॉट, यू हैड बेटर नॉट, आपके लिए बेहतर होगा यू हैड बेटर नॉट, यू हैड बेटर नॉट अगर आपने बोला तो सही है, लेकिन यू हैड नॉट बेटर नहीं बोलिएगा, यू हैड बेटर नॉट, गो अलो, टू लगाने की जरूरत नहीं है, यू हैड नॉट बेटर नॉट टॉक टू सारा, आपके लिए बेहतर होगा आप सारा से बातें ना करें, यू हैड बेटर नॉट टॉक टू सारा। आ गई बात समझ, क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्वेश्चन के लिए फिर आप, क्योंकि नसीहत की, क्या मुझे अकेले जाना चाहिए तो फिर आप शुड से, क्या उसे अकेले जाना चाहिए तो नसीहत के लिए शुड का इस्तेमाल करें, शुड शी गो अलोन। हाँ नेगेटिव क्वेश्चन पॉसिबल है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम वक्त पर आ जाएं, क्या ये उसके लिए बेहतर नहीं होगा कि वो वक्त पर आ जाए, तो शुडेंट शी कम ऑन टाइम यू भी कह सकते हैं, हैडेंट शी बेटर कम ऑन टाइम, ऐसा भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसको अफर्मेटिव और नेगेटिव में ज्यादा देखा जाता है, आप इसका इस्तेमाल करें नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट? आ गई बात समझ। अच्छा एक एक्सरसाइज आपके साथ जा रही है, ये आपको मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स लगाने,
लेकिन जब आप मॉडल वर्ब्स लगा रहे होंगे ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो ये भी आ सकता है, यहाँ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो पहले आप लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद आप कहेंगे यहाँ तो ये भी आ सकता है, क्योंकि तीन चारों मॉडल्स बात कर रहे हो ऑब्लिगेशन की। पहला देखिएगा, पहला देखें, पढ़े बताएं क्या लगाएंगे। You should wear a seat belt while driving. You Because must sir, wear according to a you sir, I must guess it's wear a according seat to belt the while driving. और Sir, must बाकी लोग, you must बाकी लोग you have to wear a seat belt while driving. देख बदलना शुरू होगा ना, सबके जवाब, सबके जवाब बदलना शुरू होगा। कोई शुड कह रहा है, कोई मस्ट कह रहा हाँ है, कोई हैड बेटर कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कोई सा भी मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसकी मैंने आंसर शीट आपको दी है। ठीक है सर, कल क्या डिस्कस करेंगे, और मैंने कुछ पैराग्राफ्स भी लिखे, इनको लाजमी रीड कीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडल वर्ब्स। सर कल का टॉपिक क्या है, कल भी हम मॉडल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, कल हम एबिलिटी को भी पढ़ेंगे और पॉसिबिलिटी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्लीज ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशन विद अनदर लिंक। अस्सलाम वालेकुम।